दोस्तों चलिए जानते हैं ऑफ कैमरा फ्लैश क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्लैश फोटोग्राफी में बिगिनर्स है। मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं फ्लैश फोटोग्राफी पर वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि फ़्लैश क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और धीरे धीरे मैं आपको फ़्लैश फोटोग्राफी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस ट्यूटोरियल जो है अपलोड करता रहूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो जैसे मैंने आपको अपने मेरी रीसेंट वीडियो में बताया कि ऑन कैमरा फ्लैश में हम TTL मोड और मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक उसी तरह दोस्तों ऑफ कैमरा फ्लैश जो होता है जिसे हम एक्सटर्नल स्पीड लाइट भी कहते हैं, ये भी दो टाइप के आते हैं, एक होता है मैनुअल फ्लैश, दूसरा होता है TTL फ्लैश। तो आप अगर आपको ये फ्लैश ख़रीदना है दोस्तों तो मार्केट में आपको मैनुअल फ्लैश जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2000 के बीच में मिलेगा, और अगर आपको TTL फ्लैश लेना है तो आपको 3500 से 4000 के ऊपर मिलेगा। फिलहाल ये जो फ्लैश है ये सिंपेक्स का TTL फ्लैश है, इसका मॉडल नंबर है TTL 720। अब मैं आपको इसके जो फीचर्स है वो बताता हूँ दोस्तों, ये काम कैसे करता है। इसके अंदर आपको 4 AA साइज़ की बैटरीज लगती है, ठीक है, ये AA साइज़ की बैटरी पर काम करता है। उसके बाद इसका जो एक फ़ीचर है देख सकते हो आप, ये जो फ्लैश हेड है दोस्तों, ये फ्लैश हेड मूवेबल है, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में फ्लैश कर फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक इनबिल्ट डिफ्यूज़र आता है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन 10 से 15% आपकी जो लाइट डिफ्यूज़ कर सकता है ये, एज वेल एज़ इसके अंदर एक फ्लैश बाउंस कार्ड आता है जिसे आप बाहर निकालोगे तो उसे आप बाउंस कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। इस फ्लैश को आप वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर यूज़ कर सकते हो, स्लेव मोड पर भी वायरलेसली यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास फ्लैश ट्रिगर्स एंड रिसीवर्स है तो वायरलेसली आप फ्लैश को आपके सब्जेक्ट से या कैमरे से जितना दूर चाहे रखकर आप फ्लैश फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ करना है तो आप फ्लैश को 2 या 3 जितने भी आप फ्लैश यूज़ करना है आप उतने ही आपको रिसीवर्स लगेंगे, बेस्ड ऑन डैट आप अपने फ्लैश का सेटअप कर फ्लैश फोटोग्राफी वायरलेसली भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप इस फ्लैश में आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको बता दूँ इसे ऑन करने के बाद इसमें देखो कैसे फीचर्स दिखते हैं। इसमें एक स्क्रीन दी गई है, इसमें आप देख सकते हो आप TTL मोड पर यूज़ कर सकते हो, इसे मैनुअल मोड पर यूज़ कर सकते हो, ये मल्टीपल फ्लैश फायर करता है एक ही क्लिक पर। फिर इसमें स्लेव 1 है और स्लेव 2 है। मैंने मल्टी फ्लैश स्लेव 1 स्लेव 2 मोड्स पर ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, अगर आपको जानना है वो कैसे काम करता है आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, और उसका ट्यूटोरियल आप चेक कर आप अपने, अगर आपके पास फ्लैश है या आप लेना चाहते हो तो बाद में आप उस ट्यूटोरियल को देख कर सीख सकते हैं कि ये मोड्स कैसे यूज़ करने हैं। तो चलिए आपको बताओ इसे कैमरे पे माउंट कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो आपका हॉट शू है, जब भी आप माउंट करते हो ध्यान रहे आपका कैमरा और फ्लैश जो है दोनों स्विच ऑफ रहे। इसे हॉट शू में इसे लगा देना है और यहाँ से इसे घुमाकर सिक्योर कर देना है ताकि ये फोटोग्राफी करते वक्त गिरे ना। अब हम कैमरा ऑन करेंगे, फ्लैश ऑन करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने फोकस किया, मैं बटन दबा रहा हूँ, का फ्लैश चल रहा है। ये TTL मोड पे मैंने अभी एक क्लिक किया, अभी मैं आपको मैनुअल मोड पे भी दिखा दूँ, देखिए मैनुअल मोड है, ये मैंने फोकस किया, फ्लैश फायर हुआ। ये एक तरीका है फ्लैश को कैमरे के ऊपर माउंट कर यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि इसे आप वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपकी वायर कनेक्ट हो जाएगी, एक ऐसी वायर आती है, ठीक है, ये जो एक पार्ट है ये कैमरे के ऊपर लगेगा, और ये जो दूसरा पार्ट है ये आपके फ्लैश में लगेगा। अब ये बिना कनेक्ट किए वायर के थ्रू सिग्नल जाएगा और ये फ्लैश जो है फायर करेगा, मैं बताता हूँ आपको, वायर के साथ ये काम कर रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है इसे यूज़ करने का वो आप इसे स्लेव मोड पर डालकर यूज़ कर सकते हो, आपको कैमरे में मैनुअल सिलेक्ट करना होगा या तो आप TTL पर भी स्लेव मोड यूज़ कर सकते हो, स्लेव 1 और स्लेव 2 जैसे मैंने कहा, आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो स्लेव मोड कैसे यूज़ करना है। तो स्लेव मोड में भी आप वायरलेसली फ्लैश को कहीं पर भी रख सकते हो, और जब इस कैमरे की लाइट इस फ्लैश पर गिरेगी तब ये फ्लैश फायर करेगा और आपका जो सब्जेक्ट है
प्रॉपर इलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इसे स्लेव मोड पर भी यूज़ कर सकते हो, या तो आपके पास अगर फ्लैश ट्रिगर और रिसीवर्स है तो आप फ्लैश ट्रिगर और रिसीवर के ज़रिए भी इसे वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने ट्रिगर मेरे कैमरे के ऊपर लगा दिया, मैंने कैमरा ऑन किया, अब ये जो रिसीवर है ये मैं फ्लैश पे लगा दूंगा इस तरह। देखिए अब ये मेरा फ्लैश जो है वायरलेसली काम करेगा। ये मैंने फोकस किया, ये देखिए ये रिसीवर के थ्रू बिना कोई वायर कनेक्ट है लेकिन ये फ्लैश जो है फायर कर रहा है। देखिए तो इस तरह जो है फ्लैश को आप इन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आगे बहुत से ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा कि फ्लैश की जो आप क्रिएटिविटी आप एक्सटर्नल फ्लैश के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आपके पोर्ट्रेट्स में आपको अगर दो फ्लैश एक साथ यूज़ करना है या तीन फ्लैश यूज़ करना है वायरलेसली वायर के थ्रू, उसे अम्ब्रेला के साथ डिफ्यूज़ कर करना है, बाउंस कैसे करना है, ये सारी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा और आपको फोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी कि एक्सटर्नल स्पीड लाइट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।